हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। डबल कलर का ये पैटर्न है और बहुत ही प्यारा है। बेबी स्वेटर में बहुत प्यारा लगेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहे इसे जैसे बनाएं और जिस स्वेटर में बनाएं, जिस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें, आपकी इच्छा है। ये पैटर्न देखिए कितना बहुत ज़्यादा ईजी है। और ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये फ्रंट साइड है। केवल 4 सिलाई का पैटर्न है और ओड नंबर पर ये पैटर्न हमारा बनता है। वैसे तो दो फंदों का पैटर्न है, लेकिन इसमें दो के मल्टीपल में एक फंदा ऐड करना है। तो इस तरह से इसमें ओड नंबर में फंदे आपको डालने होंगे। यूनिट टू कास्ट ऑन मल्टीपल्स ऑफ 2+1, तो इस तरह से आपको फंदे डालने होंगे, ये देखिए। और एक सिलाई इसमें रॉन्ग साइड से बेसिक सिलाई, जो फाउंडेशन रो होती है, वो आपको बनानी है। उसके बाद ये पैटर्न इधर से शुरू हो जाएगा, राइट साइड से। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाकर देखते हैं, लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैंने ये 15 स्टिचेज लिए हैं और ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से मैं एक फाउंडेशन रो इसमें बना रही हूँ। इधर से एक सिलाई सीधी बनानी है बेस कलर से, तो ये पूरी सिलाई मैं सीधी बना रही हूँ। अब देखिए, ये है हमारी फर्स्ट रो और ये मैंने सेकंड कलर इसमें ऐड कर लिया है। सेकंड कलर से ये स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट रो है और ये राइट साइड है। तो ये यहाँ पर मैंने ये स्टिच है, मैंने सीधा बना लिया। उसके बाद ये अगले वाला फंदा जो है, ये भी सीधा बना लेंगे। ये सीधा बना लिया। अब इससे अगले वाला फंदा, ये इसे इसमें सिलाई यहाँ नहीं डालनी है, इसमें सिलाई यहाँ डालनी है, इसके नीचे वाले स्टिच में। इसमें तो यहाँ सिलाई डालनी है, यहाँ से इसे बुनना है, इसे निकाल देंगे। तो एक फंदा सीधा बुना और एक फंदा इस तरह से बुना, बस यही दो फंदे इसमें रिपीट होंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा यहाँ से बुनेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा यहाँ से बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा इस तरह बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा यहाँ से बुनेंगे। एक सीधा, एक ऐसे बुनेंगे, ये सीधा और ये स्टिच है, ये भी सीधा बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। ये रॉन्ग साइड है, ये सेकंड रो है। रॉन्ग साइड से पूरी रो हमें सीधी सीधी बनानी है। ये सारी पूरी सिलाई हमें सीधी सीधी बनानी है। नीट ऑल स्टिचेज फॉर दिस रो। बहुत ही शॉर्ट है ये पैटर्न और बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर है। दोनों चीज़ें हैं, शॉर्ट है, इजी है, सुंदर है। और बेबी स्वेटर में इतना प्यारा लगेगा कि पूछिए ही मत। ये स्टिच है, ये मैं धागा आगे करके इसे ऐसे स्लिप कर लूँगी। तो दो सिलाई हमारी हो गई है। अब हम बेस कलर से दो सिलाई बनाएंगे। हमने इस कलर से दो सिलाई बना लिया, अब इससे हम दो सिलाई बनाएंगे। ये स्टिच है, ये मैं बुन लूँगी। ये बुन ली मैंने। अब पहले हमने ये वाला फंदा सीधा बुना था, अब हम इस वाले फंदे को इस तरह से बुनेंगे, नीचे से, यहाँ से, यहाँ सिलाई डालेंगे, इसे यहाँ से बुनेंगे और इसे निकाल देंगे। अब ये वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये सीधा बुन लिया। ये वाला फंदा यहाँ से बुनेंगे, ये सीधा बुनेंगे। एक फंदा यहाँ से बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा यहाँ से बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक यहाँ से बुनेंगे, एक सीधा, एक यहाँ से और एक सीधा, एक यहाँ से और स्टिच है, ये सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए चमक रहा है पैटर्न हमारा। तो ये हमारी तीसरी सिलाई थी और ये है रो नंबर 4 ऑन रॉन्ग साइड। तो ये पूरी सिलाई हमें सीधी सीधी बनानी है। रॉन्ग साइड पर सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी आएंगी। तो दोनों ही कलर से दो दो रो बनती हैं। तो बस दो सिलाई एक कलर से, दो सिलाई एक कलर से और 4 सिलाई हो जाती हैं और इस तरह से हमारा पैटर्न ये कंप्लीट हो जाता है।
ये वाला जो है स्टिच है, ये धागा अपनी तरफ करके इस तरह से स्लिप कर लें, क्योंकि राइट साइड में इसे हमें बुनना होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न ये बनता जाएगा। एक सिलाई में डाल के बता देती हूँ आपको एक बार फिर से, जैसे हमने फर्स्ट रो डाली थी। ये स्टिच है, ये हम सीधा बना लेंगे, इससे अगले वाला फंदा भी सीधा बना लेंगे। और अब देखिए ये आपको चमक रहा है ये। यदि आपको यहाँ से फंदे का हिसाब भी लगाना नहीं आएगा तो आप ये देख लेना, इसके ऊपर वाला जो फंदा है इसके नीचे से बुनना है इस तरह से। ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे जो वाइट वाला चमक रहा है, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से वाला जो फंदा है इसके नीचे से बुनेंगे। तो एक सीधा और एक इस तरह से, एक सीधा, एक ऐसे, एक सीधा और एक ऐसे। ये देखिए मैंने अगले पैटर्न के लिए ये पहली रो बना दी है। तो जब आप ये चार सिलाई बनाते जाएंगे तो इस तरह से बनकर आएगा आपका ये पैटर्न। देखिए कितना इजी है, कितना शॉर्ट है, बहुत ही प्यारा है और बेबी स्वेटर में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।